हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मर्न स्टैक टू डू लिस्ट ऐप। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हमें स्कीमा बनाना है मॉडल में, ठीक है, मॉन्गोस के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ही हमारा कॉन्फिग वाला फोल्डर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमारी बात आती है मॉडल के अंदर। मॉडल में जाएंगे, मॉडल के अंदर टास्क मॉडल डॉट जी एस, ठीक है। तो मॉडल हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मॉडल की फंक्शनैलिटी हम पिक करेंगे यहाँ से। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कोड स्कीमा का, ठीक है। ये है हमारे पास पूरा स्कीमा का कोड, ठीक है। हम करते हैं इसको ऐड, सो करते हैं वर्ड रैप, ठीक है। तो हमने बनाया हुआ, सबसे पहले हमने इम्पोर्ट किया है रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स को, ठीक है। फिर हमने मॉन्गू स्कीमा यूज़ किया है टास्क बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, टास्क स्कीमा के लिए न्यू मॉन्गू स्कीमा टास्क स्ट्रिंग है, असाइनी भी स्ट्रिंग है, स्टेटस, ठीक है, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, क्रिएटेड बाय और अपडेटेड बाय, ठीक है। ये सारा का सामने हमने फील्ड बना लिए और हमने टाइम्स टाइम पर रखा हुआ है क्रिएटेड एट कब क्रिएट हुआ और अपडेट कब हुआ है, ठीक है। ये इसकी फील्ड्स हैं। मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने पहले से डाटाबेस वही वाला यूज़ किया है। तो हम चलते हैं और देख लेते हैं रोबो की, ठीक है। और हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सी है, अगर हमने देखा जाए तो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है हमारी, अब हम चलते हैं हमारे ईएनवी फाइल में, तो कनेक्शन स्ट्रिंग है मर्न एक्स की, मर्न एग्जांपल की, ठीक है। तो यहाँ पे मर्न एम ई एन एक्स, तो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं कलेक्शन, तो ये हो गया टास्क, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो टास्क आईडी असाइनी स्टेटस क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ये हमने यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली क्या है, ये पैरामीटर्स हमें रिक्वायर्ड हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर मैं मॉडल में जाऊँगा, ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने क्रिएटेड बाय और अपडेटेड बाय हमने ये यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि हमें चाहिए अभी के लिए ही सिर्फ टास्क, ठीक है, असाइनी और बाय डिफ़ॉल्ट आईडी, तो वो क्रिएट होती रहती है, ठीक है। तो ये रहा मॉन्गूस मॉड्यूल टास्क टास्क स्कीमा। फिर हमने क्या कर दिया, क्रिएट अ मॉन्गूस मॉडल बेस्ड ऑन द स्कीमा। तो हमने यहाँ पे एक मॉन्गूस मॉडल क्रिएट किया है ऑन द बिहाफ ऑफ स्कीमा। उसके बाद हमने क्या कर लिया, इसको एक्सपोर्ट कर लिया है एज अ टास्क, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है किस तरीके से आप बना सकते हैं। और भी सिंपल सा तरीका है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत से बनाए हुए हैं, ठीक है। लॉगिन रजिस्टर में बैकएंड देख लेते हैं, मॉडल्स, तो यूज़र, ये सिंपल सा, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। न्यू यहाँ पे क्या कर सकते हो, मॉन्गूस रिक्वायर किया स्कीमा के अंदर, मॉन्गूस स्कीमा और यूज़र स्कीमा के अंदर पूरा का पूरा इस तरीके से आपका नेम क्या है, टाइप क्या है, रिक्वायर्ड है, ईमेल टाइप क्या है, ठीक है। इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यूज़र मॉन्गूस मॉडल्स यूज़र स्कीमा, ये भी एक तरीका है बनाने का। मोस्टली लोग ये प्रेफर करते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें और इलैबोरेटिव करना है तो आप और भी इलैबोरेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे रिक्वायर्ड है, नहीं है, वो चीज़ आप इसके आगे और बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, स्कीमा डिफाइन कर लिया है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से करनी है अब राउटिंग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में राउटिंग सारे राउट्स बता दूंगा। राउट्स के बाद हम फिर बात करेंगे अब कनेक्टिविटी किस तरीके से क्रिएट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है या एडिट करना है, अब हम उस वाली फील्ड पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। तो ये मॉडल के अंदर टास्क डॉट मॉडल डॉट जे एस अभी के लिए फाइल बनाई है मैंने, ठीक है।